हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। तो एक इजी ट्रिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर क्लास में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं लग्रांजियन, तो हम जानते हैं कि लग्रांजियन जो है वो क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होती है। तो यहाँ पर जो टी है ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और जो वी है ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब आप कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम टाइम गिवन होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो आपको गिवन सिस्टम से कैलकुलेट करनी होती है, अब वो सिस्टम आपके पास में किस टाइप का है उस बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होती है। लेट सपोज आपके पास में जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, और अगर स्फेरिकल है तो उसका फॉर्मूला अलग तरीके से दिखाई देगा, और सिलेंड्रिकल है तो अलग तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, और जो पोलर है अगर तो पोलर में अलग तरीके से दिखाई देगा, और 2D है तो 2D में अलग तरीके से दिखाई देगा। तो इन सभी को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो जनरल फॉर्मूला बताता हूँ जिससे जिसकी हेल्प से आप जो है ये काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, या तो इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन कर्वीलिनर कोऑर्डिनेट सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये भी हम इसे कह सकते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए क्या है वो फॉर्मूला जो मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम, और यहां पर आपके पास में आ जाएगा H1 square U1 dot square H2 square U2 dot square and H3 square and U3 dot square। तो क्या है ये H1 और ये U1 U2 U3 और ये आपके पास में वैल्यूज क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके जो ये H1 H2 एंड H3 यहां पर जो है ये है स्केल फैक्टर्स जो कि हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है आपके पास में बेस वेक्टर का, उसे हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये U1 U2 एंड U3 जो है ये आपके पास में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के, तो आप ये कह सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर डॉट निकाला गया U1 डॉट U3 डॉट U2 डॉट, है ना, तो U1 डॉट U2 डॉट, है ना, एंड U3 डॉट। ये आपके पास में क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, ये आपके पास में हो जाएगी जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो सिंपल क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर की फॉर्म नहीं है, हाफ एम एंड वी की जगह आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपके पास में ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है और ये स्केल फैक्टर है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन स्केल फैक्टर्स और इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या क्या होती है, तो उसके बाद हम जो इन फॉर्मूला को डिराइव करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ कि हम यहाँ पर कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो है डिराइव करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, सो कार्टेशियन, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर H1, H2, H3 की वैल्यू लिखता हूँ। तो कार्टेशियन के लिए H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू भी 1, और जो H3 है उसकी वैल्यू भी आपके पास में 1 होती है, और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके वो होते हैं U1 X, U2 आपके पास में होता है Y, और जो U3 होता है वो आपके पास में होता है Z, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल, तो स्फेरिकल में जो स्केल फैक्टर H1 उसकी वैल्यू होती है 1, H2 की वैल्यू होती है आपके पास में R, और H3 की वैल्यू होती है R sin थीटा, ये आपके पास में थर्ड स्केल फैक्टर की वैल्यू होती है,
असाइनेड है, और जो कोऑर्डिनेट्स है उनमें यू वन की वैल्यू होती है आर, यू टू यहाँ पर होता है थीटा, एंड जो यू थ्री होता है उसकी वैल्यू होती है फाइव। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के स्केल फैक्टर्स और कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केल फैक्टर्स एच वन की वैल्यू होती है वन, एच टू की वैल्यू आपके पास में होती है रो जो कि सिलेंडर की रेडियस होती है, और एच थ्री आपके पास में होता है वन, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनकी वैल्यू होती है यहाँ पर यू वन आपके पास में होता है रो, ठीक है, और यू टू आपके पास में होता है फाइव, एंड यू थ्री यहाँ पर होता है जेड। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो आपको स्केल फैक्टर्स और कोऑर्डिनेट्स की डिटेल दे दी है, तो यहाँ पर आप जो है वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला में और काइनेटिक एनर्जी जो है आप उस कोऑर्डिनेट सिस्टम की फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला में देखकर जो वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हाफ एम ये तो फिक्स रहेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच वन की वैल्यू वन है जिसका आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो वन ही रहेगा, और यू वन की जगह यहाँ पर एक्स है तो यू वन डॉट यानी कि यहाँ पर ही हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर। सिमिलरली आप करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा वाई डॉट स्क्वायर एंड सेट डॉट स्क्वायर। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी हाफ एम, और एच वन की वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वन है, देन यहाँ पर वन का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर यू वन जो आपके पास में आर है तो आर डॉट स्क्वायर हो जाएगा ये, देन एच टू की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आर है सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर यू टू जो है उसकी वैल्यू थीटा है सो ये हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट जो टर्म है उसमें एच थ्री स्क्वायर यू थ्री डॉट स्क्वायर, तो एच थ्री यहाँ पर वैल्यू जो है स्फेरिकल की वो आपके पास में है आर साइन थीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास में हो जाएगी यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपके पास में जो यू थ्री वो है फाइव है तो ये हो जाएगा फाइव डॉट स्क्वायर, इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा हाफ एम, एच वन यहाँ पर देख पा रहे कि वन है सो यहाँ पर वन का वन ही आ जाएगा, और यू वन की जगह आ जाएगा रो सो हो जाएगा रो डॉट स्क्वायर, और एच टू की आप जगह आप देख पा रहे कि रो है सो हो जाएगा रो स्क्वायर, और यू टू की जगह यहाँ पर आपके पास में फाइव सो हो जाएगा फाइव डॉट स्क्वायर, एच थ्री की जगह आप यहाँ पर जो है वो है वन तो वन का स्क्वायर यानी कि वन, और यू थ्री की जगह आपके पास में जेड है सो हो जाएगा जेड डॉट स्क्वायर। तो आप देख पा रहे कि हमने यहाँ पर जो है तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कार्टेशियन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल तीनों में हमने जो है किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को लिख लिया है। तो एक सिंपल से इजी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, इसको अगर आप ध्यान में रखो तो आप जो है तीनों ही कार्टेशियन तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर काइनेटिक एनर्जी को लिख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर लिखना चाहोगे तो इन पोलर कोऑर्डिनेट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा उसका उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास में दोस्तों होते हैं आर और थीटा, यही पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में हो जाएगा ये आर आर डॉट स्क्वायर, और नेक्स्ट जो हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। यानी कि सिंपल अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो थर्ड जो टर्म है इसको अगर आप यहाँ से हटा देते हैं देन आप जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट सिंपल अगर आप सबसे सिंपल अगर हम बात करें तो आपके पास में 2D का है, इन 2D यानी टू डायमेंशनल अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेकर लिखना चाहते हैं तो उसका आपके पास में हो जाएगा हाफ एम, और सिंपल आप यहाँ पर लिख देंगे एक्स डॉट स्क्वायर एंड वाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि आपके पास में 2D में दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स होगा और एक दूसरा वाई होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है एक इजी ट्रिक एक इजी फॉर्मूला के को अगर जान भी लेते हैं तो हम जो है इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है हम काइनेटिक एनर्जी को लिख पा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।